अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं इवेंट खेल रही थी, अभी चेक करें कितने सारे बंदे आए हुए हैं। अभी कुछ लोगों को तो मैं मार दूंगी, लेकिन कुछ लोग गायब हो जाएंगे। वो कहाँ गायब होंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। कहाँ पे छुपे हैं, ये जो ऊपर जगह ही नहीं है यहाँ पे छुपने की, वहाँ पे जाके छुप गया, वो नीचे उतरे ही नहीं। तो पहले मैंने इन लोगों को मारा, तो फिर मैंने फैसला किया इसको मैं किसी तरह मारती हूँ। इसके अलावा एक और बंदा भी होगा, उसको चेक करिएगा वो भी कैसे मरता है। तो अभी ऊपर ही छुप के बैठा हुआ था, तो अब मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं मारूं। तो क्योंकि और कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा था बंदा, लेकिन सामने एक और बंदा भी था, वो फायरिंग करने में लगा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ मैं इसको नेड मार देती हूँ, फिर बाद में इसको मैं देखूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे नेड मारा ना, गेस व्हाट, लग गया उसको नेड। हुन मेरे अंदर बड़ी इंदी आ चुकी है, हुन हुन अब इसको भी मरना ही होगा। अब इसकी बारी है मरने की। पहले मुझे लग रहा था कि रश करने के लिए आएगा, लेकिन ये रश करने के लिए नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। तभी मैंने सोचा मैं इसके ऊपर रश करती हूँ, इसको मारती हूँ। मैंने यहाँ पे डाउन किया, फिनिश किया। अभी कोई मुझे बदला लेने के लिए आ रहे हैं, वो देखो चेक करो। तो इसको मैंने यहाँ पे मार दिया, जैसे ही लैंड होता गया। यार वो बंदा अभी तक ऊपर ही छुपा हुआ है, अभी इस मजाले ये बाहर आया हो। तो मैंने यहाँ पे सोचा कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इस तक जाने के लिए। पहले तो मेरी मैं तो जंप कर नहीं पा रही थी, तो मैं अपना ये डायनासोर लिया, इसकी जंप माशाल्लाह से काफ़ी हैवी थी। तो यहाँ पर मैं जंप करके आई ना, जब तक तो इसका पता चल गया कि बस इसकी फौत की बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये भागने की कोशिश करने लगा। यहाँ मैंने इसको यहाँ डाउन कर दिया। जैसे ही मैंने इसको मारा ना, दूसरे वाले की दौड़ लगी। चेक करो कैसे वो भाग रहा है, ये रुकेगा ही नहीं, वो भाग ही जाएगा। मैंने कहा चलो साइड से जाके मारती हूँ इसको। तो ये बाघ मिल्खा बाघ बना हुआ था, रुक ही नहीं रहा था, इतनी तेज स्पीड है इसकी। इन्हों मैं इधर मार दिया। यार ऐसा हो सकता है कि मेरा नेट मुझसे पंगे ना ले, यहाँ पे मेरे साथ पंगा लिया मेरे नेट ने। काफ़ी दिनों से यार मेरा नेट भी सही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मैं लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यही हाल होता है, गेम भी सही से नहीं चलती, तो स्ट्रीम तो चलना बहुत दूर की बात है। तो कुछ ही दिन में मेरा इंशाल्लाह फाइबर लग जाएगा, फ्लैश फाइबर ना, तो तब मैं प्रॉपर स्ट्रीम किया करूँगी। तब तक वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने कहा चलो स्ट्रीम ना कर सकूँ तो क्या हुआ, वीडियोस तो अपलोड कर सकती हूँ ना मैं आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो ही बना ली। अभी ये बोट आया, बोटू को भी मैंने यहाँ पे मार सकती है। तो यार अभी सामने पूरा स्क्वाड है, ये एक ने तो टेंट दिखाई है, अभी पूरा का पूरा यहाँ पे स्क्वाड है। पहले मुझे लग रहा था एक आधा बंदा ही है, एक दो बंदे ही हैं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि पूरे चार बंदे हैं, चार चार बंदे। तो अभी देखो ये पहला अपना मुँह दिखा रहा है बार बार, ये पहला यहाँ से आया, इसको मैंने यहाँ पे डाउन किया। और फिर वो दूसरा भी कूद चुका है, इसको मैंने डाउन किया। तीसरा भी उसी टाइम पे आ गया यार, चौथा भी आ गया। चौथे को यार, चौथे से ज़्यादा भी मेरी हेल्थ देखो कितनी कम रह गई है। तो मैंने इतनी फ्री फायर दी कि भी निकलेगा, लेकिन वो नहीं निकला, उसने मुझे मार दिया। तो अभी यहाँ पे बदले की आग भड़क उठी, तभी मुझे इन लोगों से बदला तो लेना ही था ना। तो यार चेक करो मुझे मारने के बाद कैसे दौड़े लगा रही यहाँ से। तो एक को मैंने जब डाउन किया ना, तो बाकी सारे भी अलर्ट हो गए कि आ गई, दोबारा से बदला लेने के लिए आ गई है। उन लोगों ने स्मोक वगैरह कर दिया अपने टीममेट को बचाने के लिए। तो ये एक ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, और एक दो दो पीछे हैं, और एक रिवाइव हो चुका है। तो इसको मैंने डाउन कर दिया, अभी बाकी तीन रह गए हैं, कि ये वाला दो इसके और टीममेट्स। ये लोग ना घेरा बनाने की कोशिश कर रहे थे, घेरा बना के मारने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तो डाउन किया हुआ है, बाकी दो इसी साइड पर हैं। तो जैसे ही यार मैंने इस वाले को मारने की कोशिश की ना, तो दूसरे वाला आ गया, फिर ये वाला भी आ गया, मैंने ड्रॉप शॉट दे के मारा। डाउन तो मैंने इन लोगों को कर दिया था, लेकिन शोर इन लोगों ने फुल डाला होगा कि छेती चाह सू आके बचा, मैं कि थानू से मैं पूछनी है। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले मैं किट लगा लेती हूँ, फिर इसके साथ ना फाइट लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने नेड चला दिया, जैसे ही मैंने नेड फेंका है ना, तो उतनी देर में निकल आया। फिर मैं सोचती है बंदूक ना ली मरना है, तो यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड पूरा हो गया था, पहले ही हो जाना था, वो एक बंदा रह गया था, फ्री फायर में आया ही नहीं था। तो यहाँ पे ये फोर्थ हो गया, मेरा बदला भी कंप्लीट हो गया। अच्छा यहाँ पे वो देखो डायनासोर लेके जा रहे हैं, और पीछे बंदा एक और उसको देख रहा था, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे तो नहीं होता ना। अच्छा तो मैं यहाँ पे मेडस्टेन की वादियों में आ चुकी थी, काफ़ी यहाँ पे बंदे लुक के बैठे गए थी। तो यार एक बंदा तो छत पे बैठा हुआ है, अब मैंने इसको काफ़ी लो किया, लेकिन ये फोत नहीं हो सका। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे मोली फेंक देती हूँ कि पता सड़के मर जावे, लेकिन ऐसे सड़के भी नहीं मर गया। फिर मैं नेट भी करने की कोशिश की थी कि नेट ना लो फिर सड़के मर जाएगा, लेकिन गेस व्हाट गाइस, नेट ना लो भी नहीं मर गया। इधर भी एक बंदा है, अब इसको भी मरना ही होगा, इसकी फोत की भी ज़रूरी है। इसको काफ़ी डैमेज मिला, लेकिन ये यहाँ पे फोत नहीं हो सका, लेकिन इसको मरना ही होगा। तो अब मैंने सोचा था मैं इसको मारती हूँ, तो उतनी देर में ना मुझे सामने भी बंदे नज़र आ गए। तो इसको पहले मैंने यहाँ पे डैमेज दिया, फिर मैं अंदर आ गई, क्योंकि ज़्यादा बंदे थे ना वो, तो मुझे मार सकते थे, इसलिए मैंने कवर लिया सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने इसको डाउन किया,
तो ये जो ऊपर वाला था ना, इसकी फोर्थ की किसी और के हाथों हो जाएगी और फिर उसकी फोर्थ की मेरे हाथों हो जाएगी। चेक करिएगा, ये चेक करो, बेचारे की लाश बिखर गई। और ये जिसने उसको मारा था, इसको मैंने मार दिया। ये चिकन सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तो इसलिए मुझे ये चिकन करना था, बहुत ज़रूरी था। तो अच्छा यार, अभी ये जोन भी आज जा चुका था, पेटी शेटी मैंने लूटी। इस बंदे के पास क्या था भला, इसके पास थी MG, तो इसकी पेटी में से मैंने MG उठाई। बड़े मज़े से MG लेके घूम रहा था और काफ़ी देर से किलों पे किल कर रहा था। अच्छा, वो सामने ना एक पापा जी का नाम है इसका, पापा जी को मैंने मारा, तो इसको बचाने के लिए ना इसका बेटा आ रहा था, इस पापा जी के बेटा इसको ना रिवाइव देने के लिए आ रहा था, इसको मैंने यहाँ पे डाउन किया, तो ये फोत हो गए। अभी सिर्फ एक ही बंदा रह गया और इसको भी मैं नहीं होगा, वो सामने घूम रहा होगा। पहले मैंने सोचा मैं इसको ना नीर से मारने की कोशिश करती हूँ, अगर मर गया तो मर गया, सही है, नहीं मर गया तो कोई ना, मेरी बंदूक भी देगी ना, हले बंदूक से चलो, 24 MO है मेरी बंदूक में। वैसे नाम की MG रहेगी, 24 गोलियां, वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये MG ना, तो मैंने सोचा MG से ही मारूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अपना, और सबका आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।